हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड दोस्तों, सुबह मेरी गाने को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अगर आप लोगों को पसंद आया तो मैं अपनी पसंद के गाने कम से कम हफ्ते में एक या दो बार आप लोगों से शेयर भी किया करूँगी। चलिए, और आप लोग मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। ओके दोस्तों, एक्चुअली ये एक सीरियस वीडियो है। आप लोगों ने कई प्रकार के साइकिक अटैक्स के बारे में सुना होगा, और जैसे कि मैं दो टाइम से चैनलिंग कर रही हूँ अबाउट द साइकिक अटैक्स एंड नेगेटिविटी एवरीथिंग, और हमने कई प्रकार की नेगेटिविटीज़ के बारे में बात भी करी है। आज एक काउंसलिंग में मुझे एक केस आया, एंड अनफॉर्चुनेटली कभी मैंने इस पर वीडियो बनाया नहीं था, तो मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम अगर बाकी लोगों को आप लोग भी फेस कर रहे हो तो लेट मी गाइड यू, बिकॉज हाँ, इस केस के बारे में आई थिंक ना मैंने कहीं बनाया ना कभी कहीं बात हुई है। होता क्या है दोस्तों, समटाइम्स जब नेगेटिविटी आने को होती है तो आपको एक वार्निंग भी आती है। यस, अक्सर आप ड्रीम में देखते हो कि या तो आपका आपके चेहरे पर बिल्कुल काला काला सा कुछ रंग किसी ने लगा दिया है, ठीक है, चेहरे पे या फिर शरीर पे कहीं पर, या किसी आपके खास कोई रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं वो आपको दिख रहे हैं बिल्कुल काले चेहरे पे। मतलब कि जैसे किसी से आप लोग वाइट पाउडर देखते हो, तो ऐसी ब्लैक पाउडर किसी ने किसी के चेहरे पे लगा दिया है। तो समटाइम्स हमको समझ भी नहीं आता है कि यार ये इंसान का चेहरा हमें काला काला क्यों दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल साइन है कि अपकमिंग डेज में कुछ नेगेटिविटी आपके साथ घटित होने वाली है, ठीक है। और अगर वो पर्सन की साथ का चेहरा दिख रहा है कि वो पर्सन ऐसा कार ब्लैक पाउडर लगा के सामने आपके आया है, तो कुछ कनेक्टेड टू दैट पर्सन भी हो सकती है, नहीं तो ये नेगेटिविटी का एक गंदा वाला इफेक्ट भी आप पे, अटैक भी आप पे हो सकता है, ठीक है। सो दोस्तों, नेगेटिविटी का जब आप पे अटैक होता है तो उस पर हम लोग कई बार बातें कर चुके हैं, तो कुछ ऐसा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या क्या करना है। ऑरा क्लेंजिंग करना है, स्पिरिचुअल शावर लेना है, या आपको कुछ मंत्रास सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम पढ़ना है, देवी कवच पढ़ना है, सब चीज़ें आप लोग जानते हैं, ठीक है। ओवरऑल मैं आपको यही कहूँगी दोस्तों कि कुछ नियमों का अपनी ज़िंदगी में आदत बना लीजिए, कुछ चीज़ों का, ठीक है। कि ये तो ऑरा क्लेंजिंग तो हमें हफ्ते में दो तीन बार करना ही है, सब चीज़ें करना ही है, सब आप जानते हैं। बेस्ट थिंग कि हमेशा सुबह उठते से ही खुद को देखिए, जब आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी तो ये अटैक आते आते पोस्टपोन हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, नहीं होते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो हमेशा सो के उठ के, सोने से पहले या दिन में जब मौका मिलता है, पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। ऐसा नहीं है कि हमने घर में झाड़ू एक बार लगा ली तो अब हमारा घर दिन भर के लिए साफ हो गया। दिन में बीच बीच में गंदगी हमारे घर में आ जाती है। अगर आपने सुबह झाड़ू लगाई तो शाम को फिर आपका घर गंदा हो सकता है। तो बीच बीच में अपनी बॉडी को अफर्मेशंस देके डिटॉक्सिफाई करते रहना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए जब भी मौका मिले। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह 1-6 बजे आपने कर लिया, जब भी आपको मौका मिले मेडिटेट करो। अब मैं ये नहीं कह रही कि अब आप बैठ के ध्यान में बैठ जाइए, ध्यान मतलब मेडिटेशन होता है, एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस। आपने त्राटक सुना है, राइट। जब भी आप सपोज ऑफिस में बैठे हुए हैं आप, या कहीं बिल्कुल फ्री बैठे हो बट यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू डू मेडिटेशन, आप किसी पर्टिकुलर चीज को फोकस करिए। इस लाइक की जब जब आपसे कहते हैं ना कि चिड़िया की एक आंख पे जितना फोकस होना चाहिए, कहते ना, या आप इन वन वर्ड कहो त्राटक, ठीक है। मतलब कि दुनिया भर की सारी अवेयरनेस, सपोज कि आपको चिड़िया की एक आंख पे जब अर्जुन को तीर मारना था तब उसको बाकी दुनिया की दूसरी बातें याद नहीं आ रही थी कि मेरे भाई भी हैं, मेरे ये भी है, वो भी है, ब्ला ब्ला, दुनिया की सारी चीजें याद नहीं आती। या सपोज कि आप कहीं वो हम लोग जो कहीं तीर मार रहे हैं, जब तीर कमान की जब प्रतियोगिता होती है तो हमारा पूरा फोकस उस ऑब्जेक्ट पे होता है। हम ये नहीं सोचते कि मेरी मम्मी ने आज खाने में क्या बनाया है, और फलाने ने मेरे को कल ऐसे बोल दिया था, और मेरी गर्लफ्रेंड कभी तक व्हाट्सएप नहीं आया, ठीक है। हमारा पूरी दुनिया की सारी कॉन्शियसनेस, सारा फोकस उस ऑब्जेक्ट पे और आपके पे फोकस हो जाता है, और बस वो आपको वो चीज़ दिखती है, वो चीज़ और आप होते हो, दैट इज कॉल्ड द अवेयरनेस, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि बी इन द जेन स्टेट, बी इन द जीरो स्टेट, लाइक ना। तो हमेशा अगर आप
खुद को इतना अवेयरनेस में रखो, इतना फोकस रखो, हर वक्त कोशिश करो, ये प्रैक्टिस करो, तो आपका तो हर वक्त मेडिटेशन हो रहा है, राइट। एंड यू नो इससे एक और फायदा क्या होता है कि जब कहीं बवाल आने को होता है आपके ट्विन के साथ, कोई ट्रैप कर, कोई आप पे ट्रिगर करने वाला होता है, तो आप उस सेल्फ स्टेट, उस स्टेट में होते हो कि अच्छा ये कुछ ऐसी बात कर रहा है जिससे कि मैं अगर ट्रिगर हो गई और मैं डिसबैलेंस हो गई तो फिर से बवाल हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में होते हो, ओके मैं, उसने मुझे कुछ ट्रिगर किया, कुछ ऐसा बोला जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं अपनी इतने दिन की साधना को जीरो करने वाली नहीं हूँ, मैं उसको शॉर्ट एंड स्वीट बात करके वहीं की वहीं उस बात को रफा दफा कर दूंगी, राइट। इतनी अलर्टनेस में रहिए, इतनी अवेयरनेस में रहिए, और ये कब आता है, जब आप ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, और जब आप इतनी अवेयरनेस में हो तो कोई भी नेगेटिविटी आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकती है, ठीक है। तो आपको ये मेडिटेशन करना है, ठीक है, और क्लेंजिंग तो करना ही रहता है, ये मेडिटेशन करना है, अपने आप को हर वक्त पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है, ठीक है। और एक बात, एक कुंजी मैं आपको दूंगी, जो मैंने बहुत पहले एक बार वीडियो में, ये दो बार वीडियो में कहा है, कि अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दोस्तों अपने हाथ में रखिए, ठीक है। ये रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं दीजिए कि उसने बटन दबाया तो आप हंस दिए, उस किसी ने बटन दबाया तो आप रो दिए, मैंने आपकी तारीफ कर दी तो आप खुश हो गए, मैंने कहा आप तो बिल्कुल बेकार हैं तो आप दुखी हो गए, ठीक है। यू शुड नो आई एम वॉट आई एम, ठीक है। तो जब आप इतना कॉन्फिडेंट रखोगे, कुछ नहीं होता कि हम अभी सेपरेशन में हैं या मेरा डीएम ने मुझे ब्लॉक किया है तो क्या हुआ। सेल्फ लव इसी को तो बोलते हैं, कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं वर्थ नहीं हूँ, कि मुझे कोई भी आके कुछ भी बोल जाए और मैं उसके हिसाब से दुखी हो जाऊँ या खुश हो जाऊँ। जब आप अपनी, दिस इज एक्चुअली सेल्फ लव, तो सेल्फ लव अगेन हेल्प्स यू इन सच अटैक्स, कि भाई अगर आपने एक चीज़ अपने बॉडी में आदत डाल दी कि मुझे कोई हिला नहीं सकता, ठीक है, तो कोई आपको हिला नहीं पाएगा, सीरियसली कोई नेगेटिविटी भी नहीं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप मुझे अच्छा बोलते हो या नहीं बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल आज ही का है, आप में से बहुत लोगों ने लिखा मैम आपकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, बहुत स्वीट थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। इट्स ओके, मैं फिर भी ग्राउंडेड हूँ, ठीक है। अगर आप मुझे नहीं लिखते तब भी मैं ग्राउंडेड होती, बिकॉज आई नो कि मैं क्या हूँ, दैट्स इट, दैट इज एग्जाम्पल। सो अगेन एक चीज़ निकल के आई मेरी बात से, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड रहिए। जितना ग्राउंडेड रहेंगे उतना ही स्ट्रांग रहेंगे एंड फर्म रहेंगे, ठीक है। तो ये चार पांच चीज़ों को अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने ब्लड में डाल लीजिए, कि ऑलवेज गिव अफर्मेशंस, ठीक है। अपनी खुशियों की जो चाबी है वो आपके हाथ में होना चाहिए, किसी के कहने से आपका आपका मेंटल स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए कि आज तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, वो कह रहा तुम तो अच्छी लगी नहीं रही हो, तुमने कैसे मेकअप किया है। नो यू नो कि मैं अच्छी लग रही हूँ, दैट्स इट, ठीक है। एंड ग्राउंडेड एंड ऑलवेज बी इन द अवेयरनेस, ठीक है, कि कोई भी ट्रैप आया, कि कोई भी ट्रिगर आया, आई एम स्ट्रांग, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि जो ये नेगेटिविटी का जो ये अटैक है ये बहुत रेयर होता है, और सो येस आई एक्सपीरियंस दिस सो मेनी टाइम्स, बट कभी मैंने वीडियो में बनाया नहीं, पता नहीं क्यों। ओवरऑल जस्ट ऑफ द जर्नी क्या है, अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को बिल्कुल आपको चेंज करना है, पुराने ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ओल्ड योर ईगोज, योर ईशूज, योर पैटर्न्स, ठीक है, सारे शैडो साइड्स सबको आपको रीप्रोग्राम करना है, टू चेंज योर पिक्चर। मैं बार बार बोलती हूँ, रीप्रोग्राम, चेंज योर पिक्चर, रीप्रोग्राम, चेंज योर पिक्चर। और ये सब आपके अफर्मेशन से हो सकता है, आपकी ऊपर बताए हुए सारे पॉइंट्स से, सारी पॉजिटिविटी से हो सकता है। और एक और सीक्रेट, दैट यू नीड टू मेक योर प्रैक्टिस, प्लीज़ अपने पर्सन को अपने अंदर महसूस करना सीखिए। मान लीजिए कि वो आपके अंदर हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा, कभी भी आपको जलन नहीं होगी, कभी भी आपको ना टेंशन नहीं होगा, इनसिक्योरिटी नहीं होगी कि वो अभी थर्ड पार्टी में है,
वो अपनी वाइफ के साथ है, उसका मुझे फ़ोन नहीं आ रहा है, उसकी शादी हो गई है, सारे के सारा टेंशन, सारा के सारा आपका फियर, दर्द सब खत्म हो जाएगा। आई स्वेयर, मैं गारंटी देती हूँ, एक बार आपने ये प्रैक्टिस कर ली, अपने मन में ये बना लिया कि वो मेरे अंदर ही है, अपने इस लॉजिकल माइंड को, अपने इस मैनिपुलेटिव माइंड को साइड में रख के आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, सिंपल सी चीज़, सिंपल सा, अगर एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, कि एक बार आपने ये मान लिया कि वो मेरे अंदर है, योर लाइफ विल बी चेंज, दिस थॉट विल स्पीड अप योर जर्नी, आई स्वेयर। देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, आपका मैनिपुलेटिव माइंड, आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि वो कैसे मेरे अंदर सोते, क्योंकि 3D के ऊपर आप देख ही नहीं पाते हो, आप लोग कहते हो कि हम 5D में आ गए, 5D में आ गए, पर सच बात तो ये कि आप 3D के बाहर देख ही नहीं पा रहे, तो आप 5D में कैसे आए। दैट इज़ द कन्फर्मेशन कि जब आप ये महसूस करने लगते हो कि वो मेरे अंदर ही है, आप ये अंदर से बिल्कुल स्वीकार करते हो, कर लेते हो 100%, अब आपको कोई आपके थॉट्स को चेंज नहीं कर सकता, इट इज फर्म इनसाइड योर हार्ट दैट ही और शी इज इनसाइड मी, राइट। तब आप कंफर्म करिए कि आप 5D में आ गए हो, कि कंफर्म करिए कि आप 3D के जो इल्यूजन वाले बिलीफ सिस्टम से निकल चुके हो, छोड़ चुके हो, ठीक है। सो बट दिस इज अ सीक्रेट, एक बार आप इसको स्वीकार कर लो, मान लो, अफर्म कर लो, लिख लो परमानेंटली दैट ही और शी इज इनसाइड मी, बहुत जल्दी आपकी जर्नी स्पीड अप होगी, यू नो, आपका पूरा थॉट प्रोसेस पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। बिकॉज दिक्कत कहाँ है, आपके अपने बिलीफ सिस्टम में कि वो सेपरेट है, वो अलग है। चलिए मैं नेगेटिविटी से कहाँ तक आ गई, मुझे ऐसा मन करता है कि मैं आपको जितना भी जानती हूँ सब दे दूँ, और मुझे बोलने का मौका मिले तो मैं शाम तक बोलती रहूँ। खैर दोस्तों, चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आप लोग के साथ, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।